हेलो दोस्तों, यस बैंक के बारे में बहुत बहुत बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। आप देख रहे हैं परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अगर लॉस है तो एग्जिट भी कर सकते हैं। तो सबसे पहला न्यूज़ दोस्तों, मैं यस बैंक के बारे में आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर जितने भी हैं दोस्तों, फॉरेन ब्रोकरेज यस बैंक का टारगेट को कट कर दिए हैं। पहले अभी जो इसका करंट प्राइस देख रहे हैं 44 है दोस्तों, अराउंड 45 पे 25 रुपीज़ का टारगेट दे रहे हैं, 25 रुपीज़ का। और ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, अगर जिन्होंने भी येस बैंक को खरीदा होगा उनका अभी भी जितना पैसा डूबा हुआ है वो तो डूब गया, लेकिन अभी भी 50% यहाँ से डूब सकता है। ये मेरा कहना नहीं है, ये दोस्तों न्यूज़ आया है तो मैं आप लोगों के साथ न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ। तो ये मत समझिएगा कि हम अपनी साइड से तोड़ मरोड़ के बोल रहे हैं। और आज के में यहां पर देख लीजिए, अराउंड देखिए 5% की गिरावट है यस बैंक में। लेकिन दोस्तों वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत अच्छी न्यूज़ भी बताने वाला हूं, जो यस बैंक से थोड़ा सा हटके है, ठीक है। तो चलिए यस बैंक के बारे में फुल डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर देख सकते हैं बताया गया है यस बैंक फंड रेजिंग एट द रेट ऑफ, यहां आप देख सकते हैं 45 पे ये शेयर, ठीक है। मतलब कि दोस्तों 45 के प्राइस के आसपास जो है इसका फंड रेजिंग होगा। मॉर्गन स्टैनली जस्ट कट इट्स प्राइस टारगेट, ठीक है। मतलब कि दोस्तों मॉर्गन स्टैनली जो है इसका प्राइस को कट कर दिया है, कट कर दिया है, चलिए ठीक है। लेकिन कहां तक कट किया है वो भी हमें पता रहना चाहिए। तो जैसे कि मैंने बोला 25 एज इट इज देखिए यहां पर दिया हुआ है दोस्तों, यहां पर देख सकते हैं ऑन फ्राइडे द फॉरेन ब्रोकरेज, यहां पर देख सकते हैं ऑन फ्राइडे। मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले दोस्तों। हाँ एक मिनट, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों फ्राइडे को, यहाँ पर देख सकते हैं टारगेट प्राइस फॉर यस बैंक टू 25, यहाँ देख सकते हैं 25 रुपीज़। तो दोस्तों यहाँ जो भी यस बैंक का अभी करंट प्राइस चल रहा है 44 और 45, यहाँ से देखिए 25 रुपीज़ का जो है फॉरेन ब्रोकरेज यहाँ का टारगेट दे रहा है। जो आपको पता है दोस्तों दिग्गज हैं वो लोग यहाँ से जैसे, और एक न्यूज़ है दोस्तों वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। यस बैंक बोर्ड मीटिंग से पहले 45 लाख कई शेयरों से सौदा हुआ है। मतलब दोस्तों 45 लाख से भी ज़्यादा कई शेयरों का जो है सौदा हुआ, और कहाँ से कहाँ तक हुआ वो भी मैं आपको रेट बता देता हूँ। प्राइस 40 देख सकते हैं, 44.30 रुपीज़ से लेकर 45.65 रुपीज़ तक, मतलब कि दोस्तों 44 to 45 के आसपास से यहाँ पर देख सकते हैं सौदा हुआ है। और इसके एक और बड़ी मतलब कि बोला जा रहा है दोस्तों, इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट आने वाला है वो भी पॉजिटिव नहीं दिया जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसका जो है एसेट क्वालिटी अभी भी इम्प्रूव नहीं किया है। तो जब तक इसका एसेट क्वालिटी इम्प्रूव नहीं करेगा, यस बैंक दोस्तों धीरे धीरे गिरावट के रास्ते पे चलता जाएगा। और एक मैंने बोला था आप लोगों को कि एक बहुत अच्छी न्यूज़ बताऊंगा, यस बैंक से थोड़ा हट के है, जो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड है। वो क्या है दोस्तों, जैसे ही मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं तो आप लोगों को बता देता हूं कि हमारे यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला। सपोज अगर दोस्तों आप लोगों को एक दिन पहले पता चल जाए कि कौन सा शेयर का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, तो आप पहले से खरीद के रख लीजिएगा, तब जाके आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। जैसे कि देखिए मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, देख सकते हैं 6 आवर्स पहले पहले, और अभी दोस्तों मार्केट बंद हुआ है, मतलब कि मार्केट ओपन होने से पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था। और ये वीडियो के अंदर दोस्तों मैंने बहुत सारे स्टॉक को बताया था कि मतलब जो अच्छे-अच्छे स्टॉक तो वो आपको खरीदना है, और आपके सामने मैं दिखाता हूं मार्केट बंद होने के बाद स्वागत है आपका इसका जो अभी करंट प्राइस क्या है, और दोस्तों मार्केट ओपन होने से पहले करंट प्राइस कितना था। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि अगर आप यस बैंक में फंसे हुए हो, ठीक है, अगर सपोज मान लीजिए कि यस बैंक में आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा डूब रहा है तो कैसे निकालना, मैं आपको बोलूंगा दोस्तों आप अल्टरनेटिव खोजिए। मतलब कि देखिए यस बैंक अच्छा स्टॉक है, लेकिन उसके जगह पर कोई और भी अच्छा स्टॉक हो सकता है। आप दोस्तों अच्छा इंसान मत ढूंढिए, आप खुद एक अच्छा इंसान बन जाइए जिससे किसी और की खोज पूरी हो जाए। उसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ कि
ये देखिए, मैंने वीडियो को अभी मैं आपको यहाँ देख लीजिए, प्रूफ दिखाता हूँ। देखिए 10 जनवरी को मैंने ये वीडियो जो है, 10 जनवरी को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, और आप लोगों को सामने भी यहाँ पर दिखाया कि यहाँ पर देख लीजिए, मैंने जस्ट 6 आवर्स पहले मैंने अपलोड किया था। और यहाँ पर देख सकते हैं जो पहला स्टॉक है आपके सामने, यहाँ पर देख लीजिए इमामी पेपर को बाय करना था। यहाँ पर देख लीजिए इमामी पेपर को बाय करना था, कौन से प्राइस पे, 81 के प्राइस पे बाय करना था। टारगेट कितना था, 90 रुपीज टारगेट था। ठीक है, चलिए देखते हैं पहले बताया था टारगेट क्या हुआ है। तो ये देखिए आपके सामने रहा है इमामी पेपर। अभी देखिए मार्केट बंद होने के बाद ये सिचुएशन है, 81 का प्राइस था, अभी देख लीजिए 89.70 है, मतलब कि दोस्तों 90 होने ही वाला था। और यहाँ देख लीजिए 9.99%, मतलब कि 10% की तेजी देखी गई। तो आपको पहले बताया गया, तब तो आपने जाके खरीदा, एक नहीं बहुत सारे स्टॉक है, और भी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये दूसरा स्टॉक है आप लोगों के सामने, देख लीजिए जेके पेपर, ठीक है, इसको भी बाय करना था। कितने के प्राइस पे, देखिए करंट मार्केट प्राइस था 129 के भाव पे आपको बाय करके चलना था। और दोस्तों जेके पेपर के बारे में कम से कम मैंने 4 से 5 वीडियो बनाया है, और दोस्तों मैंने इसको 115 के प्राइस पर आपको हर एक टाइम मैंने बोला बाय कीजिए, बाय कीजिए, बाय कीजिए। अगर आपको बिलीव नहीं है तो दोस्तों आप हमारे यूट्यूब के प्रोफाइल पर आके आप हमारे सारे वीडियोज़ के साथ जो है पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी देखिए कल ही मैंने एक प्रेस्टीज एस्टेट कंपनी का यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ, देखिए प्रेस्टीज एस्टेट गुड वैल्यूएशन बाय इट करके, देखिए 18 आवर्स पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, 18 आवर्स पहले। और अभी के डेट में जाकर देख लीजिए, अभी ठीक है, अभी जाकर देख लीजिए दोस्तों, इसमें 6% का अपर सर्किट लगा था। तो अभी लगा, बताया कब गया दोस्तों आपको, देखिए 18 आवर्स पहले, मतलब एक दिन पहले आपको बताया गया था। ठीक है, तो देख लेते हैं जेके पेपर का हाल क्या हो रहा है यहाँ पर अभी। तो ये रहा आपके सामने जेके पेपर, इसमें भी देख सकते हैं अराउंड 3.45, मतलब कि दोस्तों इसमें भी 3 या 4% की आपको अपर सर्किट लगते हुए देखी जाइए। और उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ओरिएंट पेपर भी था, मतलब कि 27 रुपीज़ का भी एक स्टॉक था। देखिए येस बैंक 44 है और ये देखिए 27, तो उससे भी सस्ता वैल्यूएशन पे आपको मिल रहा है। लेकिन इसमें क्या है कि ये उससे भी अच्छा स्टॉक है, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 27। ठीक है, अगर प्लास्टिक की डिमांड, जैसे दोस्तों अभी गवर्नमेंट हमारी देख रही है, जैसे कि आपको पता है कि प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है हर एक जगह में, जैसे जैसे प्लास्टिक को बैन किया जाएगा पेपर इंडस्ट्री का डिमांड इंक्रीज होगा। तो ऐसे देखना चाहिए डिमांड क्या है, सप्लाई क्या होना चाहिए, जब सप्लाई क्या है तो डिमांड क्या होना चाहिए। और ये देखिए सुबह में देखिए थंबनेल प्राइस, सब वही चीज है आपके सामने, परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट दोस्तों इसी यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले बताया जाता है। अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए ओरियंट पेपर में बाय करना था, यहां देखिए साफ साफ लिखा हुआ बाय करना था। करंट मार्केट प्राइस कितना था, 27 था, ठीक है, और इसका हाईएस्ट टारगेट कितना था, 30 था। देख लेते हैं क्या यह टारगेट को टच किया है। देखिए ओरिएंट पेपर, इसमें भी देखिए 3% का अपर सर्किट है, इसका हाईएस्ट चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये भी देखिए 29.45, मतलब कि टारगेट अचीव कर ही लिया मान लीजिए। और ये जो लास्ट में आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसमें बाय कॉल था, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों अजमेर नाम की एक स्टॉक था, ठीक है, इसका जो करंट मार्केट प्राइस चल रहा था 132 था और इसका जो टारगेट था 159 था। चलिए देख लेते हैं दोस्तों क्या ये टारगेट अचीव हुआ। तो ये रहा दोस्तों लास्ट में मैंने वन बाय वन सबको आपको मैंने चेक कराया है। यहाँ पर देख लीजिए अजमेर, इसका जो हाईएस्ट प्राइस कहाँ तक गया था, तो 155 बस टारगेट अचीव करने से थोड़ा सा बच गया। लेकिन फाइनली अगर हम रिजल्ट देखें तो दोस्तों देख सकते हैं इमामी में भी 10% का अपर सर्किट है, जेके पेपर में भी यहाँ 10% का, यहाँ 3% का अपर सर्किट है, मतलब आपको हर एक जगह 10%, 5%, 4% आपको मिल रहा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, तब आप क्यों यस बैंक के पीछे पड़े हैं, अगर इसका कैपिटल रेज नहीं हुआ सही से तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा। और एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको डेट दिखाता हूं कि आज के डेट में मैंने वीडियो अपलोड किया था कब, मॉर्निंग में अपलोड किया था। अब मैं और एक प्रूफ आप लोग सामने दिखाता हूं दोस्तों, अब आपको जाना है अपने यूट्यूब चैनल में और यहां जो देखिए सर्च बार है इसमें सर्च मारना है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट। देखिए मैंने यहां पर परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट सर्च किया और जैसे ही सर्च कीजिएगा ये आएगा आपके सामने आइकॉन, इसको जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा आप यहाँ से इनसाइड में चले जाइएगा। ठीक है, यहाँ आपको वीडियोज में जाना है, जैसे वीडियोज में जाइएगा, ठीक है, वीडियोस में देखिए ये मैंने 6 आवर्स पहले वीडियो अपलोड किया था, मैंने आपको बताया, ठीक है, और ये देखिए मैंने 18 आवर्स पहले वीडियो अपलोड किया था और दोस्तों मैंने साफ साफ बोला था कि ये स्टॉक को खरीदना है करके। एक मिनट, ठीक है, मैं सबसे पहले तो आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। ये देखिए
हाँ डेट देख लीजिए, ठीक है, 9 जून को मैंने, सॉरी 9 जनवरी को मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, और कौन से स्टॉक के बारे में मैं बता रहा था, तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, प्रेस्टीज इस्टेट के बारे में मैं बता रहा था। अभी मैं आपके सामने वीडियो भी प्ले करके दिखाऊंगा, और यहाँ पर देख लीजिए 316 रुपये चल रहा था, और आज के डेट जा के देख सकते हैं कितना हाई प्राइस चल रहा है। तो ये देखिए प्रेस्टीज एस्टेट का अभी करंट प्राइस क्या चल रहा है, यहाँ पर देखिए +15 है, मतलब 15 पॉइंट इसमें जो है अपर सर्किट मारा, और हाईएस्ट प्राइस भी देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, यहाँ देख सकते हैं 339, मतलब 340 का, ठीक है। और मैंने बताया था तब कितना इसका करंट प्राइस था दोस्तों, 315 रुपीज़ था। अब चलिए मैं आप लोगों को वीडियो प्ले करके प्रूफ भी दिखा देता हूँ। तो देख लीजिए वही थंबनेल था दोस्तों, प्रेस्टीज एस्टेट गुड वैल्यूएशन बाइट करके, देखिए मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है बाइट, मतलब आपको खरीदना है। अब मैं आपको टाइटल दिखा देता हूँ, यहाँ पर देख लीजिए टाइटल, प्रेस्टीज एस्टेट गुड वैल्यूएशन बाइट फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। अब देखिए मैंने आपको डेट भी दिखाया, यहाँ पर देख लीजिए कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया था, और आज मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कितना प्रॉफिट हुआ। और दोस्तों मैंने साफ साफ वीडियो में बोला है कि इस जो भी वीडियो बना रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको बोल रहा हूँ ये स्टॉक को खरीदने के लिए। देखिए यहाँ पर कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं दिया जाता है, जैसे कि बहुत सारे YouTube चैनल में आपको बताया जाता है ये स्टॉक ऊपर जा सकता है, नहीं जा सकता है, मे बी मे नॉट बी, आप लोगों को यहां पर स्ट्रेट फॉरवर्ड में बताया जाता है। तो एक बार वीडियो भी देख लीजिए थोड़ा सा। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा ज्यादा स्पीड है। हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि दोस्त ठीक है दोस्तों, आपने सुना, मैंने साफ साफ बोला जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है आने वाले दिनों में। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका प्राइस इंक्रीज होने वाला है आने वाले दिनों में, क्योंकि दोस्तों इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो कंपनी का नाम दिखा देता हूं, ये है प्रेस्टीज एस्टेट दोस्तों। इसका जो भी करेंट प्राइस चल रहा है 316 के आसपास चल रहा है, तो ये आने वाले दिनों में आपको और भी बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पर ये भी बोला कि इसका करेंट प्राइस देख लीजिए, और इसका जो है आने वाले दिनों में और भी बहुत अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। और जो इसका करेंट मार्केट प्राइस, जब मैंने वीडियो बनाया था, कब मैंने वीडियो बनाया था यहाँ पर देख लीजिए डेट एक बार फिर से, जब मैंने 9 जनवरी को वीडियो बनाया तो इसका करेंट प्राइस 316 था, आज के डेट में आप जाके देख सकते हैं दोस्तों 340 के आसपास टच होने वाला। तो ये है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, जहाँ पर आपको पहले बताया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला। नहीं तो दोस्तों बहुत सारे यूट्यूब में ऐसे भी हैं जहाँ पर आपको बताया जाएगा कि येस बैंक में 5% की गिरावट हुई है देख लो, यहां पर जाके टाटा मोटर में जाके देख लो 5% का जंप देखा गया, वो तो आपको भी दिख रहा है कि कौन सा स्टॉक में कितना जंप दिखा गया है। ये देखिए अगर आपको पोर्टफोलियो बनाना है तो ऐसा बनाइए किसी भी स्टॉक में लॉस नहीं, किसी भी स्टॉक में, यहां से देखिए मैंने प्रेस्टीज के बारे में बताया, इमामी के बारे में बताया, जेके पेपर, ओरिएंट पेपर, जितना है दोस्तों सबके बारे में मैंने आपके साथ बताया। अगर इसी तरह आपको इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आपको पहले पता चल जाए कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, और बहुत अच्छा बेनिफिट उठाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप हमारा सर्विस को ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन सर्विस को ज्वाइन करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे डेमो देखना है, ट्रायल देखना है, सिंपल देखना है, तो जो भी देखना है आप यूट्यूब में देख सकते हैं, कैसे देखना है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने YouTube में जाना है, यहाँ सर्च बार में सर्च मारना है परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट, जैसे ही परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप सर्च मारिएगा आपके सामने ये आइकॉन आ जाएगा, ये आइकॉन में आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए अंदर में वीडियोस आ जाएगा, वीडियोस में आपको जाना है तो यहाँ देखिए वीडियोस में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए 7 आवर्स पहले देखिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया, आप लोगों को बताया ओरिएंट पेपर, इमामी पेपर जो भी है इसमें बताया, और उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर देखिए 18 आवर्स पहले देख सकते हैं प्रेस्टीज स्टेज के बारे में बताया, कल टाटा मोटर बताया था, यहाँ सारे वीडियोज आप देख सकते हो, सारे वीडियोज यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों। ये देखिए क्विज कॉर्पोरेशन में, यहाँ सीमेंट सेक्टर में मैंने आपको 70 पॉइंट का प्रॉफिट दिया, मतलब आप सारे वीडियोज के साथ मेरा पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं अगर आपको ट्रायल, डेमो, सैंपल जो भी चाहिए, क्योंकि मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूं लेकिन मैं आपके रास्ते पे नहीं चल सकता। अगर अब आपको सर्विस चाहिए तो दोस्तों ये है हमारा व्हाट्सअप का नंबर, ये है परमानेंट व्हाट्सअप का नंबर, आप इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, और ये है कॉन्टैक्ट नंबर, इस नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो जाए।